Hello everyone, I am Professor N.B. Chatte, welcomes you all in the 24th lecture of Electrical Measurement subject. So my dear students, we have discussed the measurement of power by 2 watt meter method in star connection, right, in the last lecture. So what are the derivations we have obtained for the star connection, right? So this is the measurement of the power by 2 watt meter method in the star connection. Yahan pe ek star connection dikhaya tha apne aur yahan pe 2 watt meter connect kiye the, theek hai? Iske connections kaise kiye the? Jo current coil hai wo current coil directly apne hai kahan pe connect ki hai? Directly ये दो लाइंस में करंट कॉइल कनेक्ट किए हैं, आर लाइन एंड वाई लाइन में, ठीक है? यानी आर फेज और वाई फेज में हमने ये करंट कॉइल्स दोनों वाट मीटर के कनेक्ट किए हैं और प्रेशर कॉइल जो है वो कनेक्ट की है अपने थर्ड फेज को, यानी थर्ड टर्मिनल को, यानी बी को, ठीक है? तो दोनों वाट मीटर के प्रेशर कॉइल बी टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट किए थे, स्टार कनेक्शन है ये. और इसके डेरिवेशन हमने डिराइव किया था और वो फाइनल डेरिवेशन आया था अपना W1 प्लस W2 इज इक्वल टू पावर, दैट इज हियर पी इज द टोटल पावर एब्सॉर्ब्ड इन द थ्री लोड्स एट एनी इंस्टेंट. क्लियर? तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, बोला था कि सेम इक्वेशन हमें डिराइव करना है डेल्टा कनेक्शन के लिए. So in today's lecture we are going to discuss about the measurement of power by 2 watt meter method in delta connection. So here connections kaise hain, fir se ek bar yahan pe dekhenge. So this is the delta connection, yahan pe delta form hua hai ye, theek hai? Yani isko hi mesh connection bolte hain apan, kyunki yahan pe closed loop form hota hai. Ye aapke teen phases hai r y b, theek hai? R phase mein se jo current flow ho raha hai wo hai ir, y phase mein se jo current flow ho raha hai वो है आपका आई वाई, एंड बी फेज में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आपका आई बी. आता इधर थी परत दोन वाट मीटर कनेक्ट के लिए ले, ठीक है? W1 आणि W2. परत जी W1 वाट मीटर ची करंट कॉइल आहे ती आर फेज मध्ये कनेक्टेड आहे, राईट? आणि W1 ची जी प्रेशर कॉइल आहे ती कनेक्टेड आहे थर्ड फेज मध्ये, थर्ड टर्मिनलला, म्हणजे बी ला. सिमिलरली W2 ची जी करंट कॉइल आहे ती परत वाय फेज मध्ये कनेक्टेड आहे, राईट? आणि W2 वॅट मीटर ची जी प्रेशर कॉइल आहे ती परत बी टर्मिनलला, बी फेजला तिथं कनेक्ट केलेली, ठीक? तर सेम वॅट मीटरचे कनेक्शन केलेत आपण, फक्त इकडे डेल्टा फॉर्म केला, मागच्या याच्यामध्ये आपण स्टार कनेक्शन घेतलं होतं इकडे, ठीक? सो हियर आर वाय बी आर दी फेजेस, देन सो दिस इज द आय आर वाय करंट, राईट? दिस इज आय वाय बी करंट, दिस इज आय बी आर करंट, अँड झेड पी एच इज द इम्पिडन्स. क्लिअर आहे? तो ये सिंपल डायग्राम आहे आपकी डेल्टा कनेक्शन. तो सेम डायग्राम यहाँ पे दिया है, आर वाय बी है, दो वॅट मीटर कनेक्टेड किए हैं, आर फेज में से आय आर करंट फ्लो हो रहा है, वाय फेज में से आय वाय करंट फ्लो हो रहा है और बी फेज में से आय बी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है? और ये Z1, Z2, Z3 यहाँ पे तीन इम्पिडेंसेस दिखाए हैं, और Z1 इम्पिडेंस में से I1 करंट फ्लो हो रहा है, Z2 इम्पिडेंस में से I2 करंट फ्लो हो रहा है, एंड Z3 इम्पिडेंस में से I3 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है? सो देयर आर सिमिलर नोटेशंस फॉर डेल्टा आल्सो. क्लियर है? नाउ सेम इक्वेशन जैसे हमने स्टार में लिए थे वैसे ही लेने हैं. देखो अभी, सो फर्स्ट हमें इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन लेना है. सो द इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द कॉइल ऑफ द वैट मीटर W1 इज गिवन बाय, इंस्टेंटेनियस करंट जो है कॉइल में का वैट मीटर W1 के लिए, ठीक है? उसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे देखो W1 इज इक्वल टू IR. सो W1 की ये करंट कॉइल है, तो ये करंट कॉइल में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है आपका IR. सो W1 इज इक्वल टू IR लिख सकते हैं, राइट? लेकिन ये IR करंट ये पॉइंट पे आने के बाद ये नोड पॉइंट बन जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ पे ये दो ब्रांचेस कनेक्टेड है, ठीक है? तो ये नोड पॉइंट बन गया आपका, KVL KCL मालूम है अभी. तो यहाँ पे ये नोड पॉइंट पे अब हम जब KCL अप्लाई करेंगे,
तो ये इनकमिंग करंट रहेगा नोड के लिए, ये आउटगोइंग करंट रहेगा, और ये भी क्या रहेगा आपका इनकमिंग करंट। ठीक है, तो केसीएल क्या स्टेट करता है, ऑल द इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू ऑल द आउटगोइंग करंट्स। ठीक है, तो इनकमिंग करंट समेशन ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट, दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द केसीएल, राइट। तो इनकमिंग करंट कितने हैं यहाँ पे, दो है, आई आर एंड आई थ्री, और ये आउटगोइंग करंट है आपका आई वन। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे अपन, आई आर इज इक्वल टू आई वन माइनस आई थ्री। आई वन ये आउटगोइंग करंट है और ये आपका इनकमिंग करंट है, सो आई वन माइनस आई थ्री। ठीक है, आई आर का इक्वेशन, आई आर इज इक्वल टू आई वन माइनस आई थ्री, क्लियर है। नाउ द इंस्टेंटेनियस पावर मेजर्ड बाय द वॅट मीटर डब्ल्यू वन विल बी, इंस्टेंटेनियस पॉवरचं इक्वेशन काय असेल मग वॅट मीटर डब्ल्यू वन मेजर केलेलं, दॅट इज डब्ल्यू वन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पॉवर म्हणजे ते ई आर बी। ठीक आहे, जे फेज व्होल्टेज असणार आहे याच्यामधलं, ठीक आहे, हा आर फेज आहे आणि हा पी फेज आहे, राईट। तर आपण प्रेशर कॉइल जी आहे डब्ल्यू वन वॅट मीटरची ती कशी कनेक्ट केली, आर फेज आणि बी फेज मध्ये कनेक्ट केली गेली, राईट। ही प्रेशर कॉइल जी आहे ती आर मध्ये आणि बी मध्ये कनेक्ट केली गेली, त्यामुळं ही पॉवर इन्स्टंटेनियस पॉवर जे वॅट मीटर मेजर करल ते त्याचं इक्वेशन आपण डायरेक्टली डब्ल्यू वन इज इक्वल टू ई आर बी लिहू शकतो, ई आर बी। ठीक आहे, समज मॅम। नाउ देअरफोर द इन्स्टंटेनियस पॉवर मेजर्ड बाय द वॅट मीटर डब्ल्यू वन विल बी गिव्हन ॲज, इन्स्टंटेनियस पॉवर जो वॅट मीटर डब्ल्यू वन मेजर कर रहा है तो कैसे लिख सकते हैं अपन, सो डब्ल्यू वन इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल है, डब्ल्यू वन लेफ्ट साइड हैंड लेफ्ट हैंड साइड को है। ठीक है, तो हियर ई आर बी ये आपकी इंस्टेंटेनियस पावर है और यहाँ पे ये अपना इंस्टेंटेनियस करंट था, सो ई आर बी इन ब्रैकेट आई वन माइनस आई थ्री लिखेंगे इक्वेशन, क्लियर है, समझ में आया। इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू दी सेम, हमें अभी इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है डब्ल्यू टू वैट मीटर के लिए, सो इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू दी करंट कॉइल ऑफ वैट मीटर डब्ल्यू टू, जो वैट मीटर डब्ल्यू टू की करंट कॉइल है उसमें से जो इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो हो रहा है उसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखिए तो ये वैट मीटर डब्ल्यू टू है, ये इसकी करंट कॉइल है, तो ये करंट कॉइल में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है आपका आई वाई, तो आई वाई ये यहाँ पे आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो केसीएल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, डब्ल्यू टू इज इक्वल टू आई वाई, दैट इज इक्वल टू आई टू माइनस आई वाई। यहाँ पे देखो ये है आपका आई टू आउट गोइंग करंट, ठीक है, ये है आपका इनकमिंग करंट, सो आई टू माइनस आई वाई, क्लियर है, आई टू माइनस आई वाई। So instantaneous potential difference across the potential coil of the wattmeter W2 is, instantaneous potential difference क्या लिखेंगे फिर, W2 is equal to EYB, W2 is equal to EYB, जैसे हमने यहाँ पे लिया था। ठीक है, यहाँ पे ये instantaneous potential difference, वो power नहीं है यहाँ पे, ठीक है, so instantaneous potential difference across W1, ठीक है, W1 वन इज इक्वल टू ई आर बी लिखो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियल कॉइल ऑफ द वैट मीटर W2 टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई वाई बी। ई वाई बी क्यों लिखा, क्योंकि अभी इसकी W2 टू वैट मीटर की जो प्रेशर कॉइल है वो कहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे B में। ठीक है, राइट, सो हियर W2 टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई वाई बी, क्लियर। सो देयरफॉर द इंस्टेंटेनियस पावर मेजर्ड बाय द वैट मीटर, तो इंस्टेंटेनियस पावर जो मेजर कर रहा है वैट मीटर W2, उसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, W2 इज इक्वल टू ई वाई बी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, इंटू इंस्टेंटेनियस करंट, क्या का इक्वेशन है, आई टू माइनस आई वन, तो ये इक्वेशन फोर मिल गया अपने को, क्लियर है, तो ये W1 एंड W2 के इक्वेशन मिल गए अपने को। नाउ हेंस टू ऑब्टेन द टोटल पावर मेजर्ड बाय द टू वैट मीटर्स, the two equations, that is equation number 3 and equation number 4 has to be added. जैसे हमने स्टार में रिलेशन लिए थे और बाद में हम उसको ऐड किया था, वैसे यहाँ पे भी ऐड करना है, सो W1 वन प्लस डब्ल्यू टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई आर बी इन ब्रैकेट आई वन माइनस आई थ्री प्लस
by b in bracket i2 minus i1। सो इसको सिंपलीफाई करेंगे, इसमें ब्रैकेट ये टर्म से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, सो आई वन ई आर बी प्लस ये आई टू, ये क्या रहेगा यहाँ पे आई वन ई वाई बी, ठीक है, आई वन ई आर बी प्लस आई वन ई वाई बी माइनस आई थ्री ई आर बी, माइनस आई थ्री ई आर बी माइनस आई वन ई वाई बी। क्लियर है, तो ये इक्वेशन मिल गया अभी, तो आई टू ई वाई बी आई टू ई वाई बी प्लस आई थ्री ई बी आर, क्योंकि यहाँ पे ई बी आर, यहाँ पे आर बी लिया था ई आर बी, यहाँ पे आई आई थ्री ई बी आर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस ई आर बी इज इक्वल टू ई आर बी लेते हैं अपन फेजर डायग्राम से, तो हियर आई टू ई वाई बी प्लस आई थ्री ई बी आर माइनस, ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा आई वन, ठीक है, ये दोनों में से ये आई वन है और ई बी आर, यानी ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा आई वन, सो ई वाई बी प्लस ई बी आर, ई वाई बी प्लस ई बी आर, ई बी आर यानी ई बी आर यानी यहाँ पे माइनस ई आर बी लेना, ठीक है। सो हियर डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई आई वन ई आर वाई, आई वन ई आर वाई प्लस आई टू ई वाई बी, ठीक है, आई वन ई आर वाई प्लस आई टू ई वाई बी प्लस आई थ्री ई बी आर, आई थ्री ई बी आर, ये इक्वेशन मिल गया अपने को, लेकिन अपने को मालूम है ई आर वाई प्लस ई वाई बी प्लस ई बी आर इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो ये इक्वेशन किसका होता है आपका, पावर का होता है, आई वन ई आर वाई प्लस आई टू ई वाई बी प्लस आई थ्री ई बी आर, तो ये इक्वेशन आपका पावर का है, ठीक है। तो हियर P इज द टोटल पावर एब्सॉर्ब इन थ्री लोड्स एट एनी इंस्टेंट, तो P क्या रहेगी यहाँ पे, टोटल पावर एब्सॉर्ब जो थ्री लोड्स एब्सॉर्ब कर रहे हैं पावर, वो हो गया आपकी P, ठीक है, समझ में आया इक्वेशन, कुछ डाउट इसमें, जैसे हमने स्टार का डेरिवेशन लिया था वैसे ही डेल्टा का कनेक्शन है सिमिलर, ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, द पावर मेजर्ड बाय द टू वाट मीटर एनी इंस्टेंट इज द इंस्टेंटेनियस पावर एब्सॉर्ब बाय द थ्री लोड्स कनेक्टेड इन द थ्री फेजेस, जो पावर मेजर कर रहे हैं दो वाट मीटर एनी इंस्टेंट पे, वो क्या होती है आपकी इंस्टेंटेनियस पावर एब्सॉर्ब बाय द थ्री लोड्स, इंस्टेंटेनियस पावर जो एब्सॉर्ब कर रहे हैं तीनों लोड विच इज कनेक्टेड इन थ्री फेजेस, वो क्या कहाँ पे कनेक्ट किए आपके थ्री फेजेस में कहीं, ठीक है, ये पावर मेजर करता है दोन वॅट मीटर कुठल्याही इंस्टंटला एनी इंस्टंटला, ते काय असते की काय असते इंस्टंटेनियस पावर असते ऍब्सॉर्ब केलेली तिन्ही लोड्स ना जे आपण तीन फेजेस मध्ये कनेक्ट केलेले असतात, ठीक आहे। नेक्स्ट पॉइंट है, इनफॅक्ट दिस पावर इज द ऍव्हरेज पावर ड्रॉन बाय द लोड, इनफॅक्ट ही जी पावर असते तीच असते आपली ऍव्हरेज पावर ड्रॉन बाय द लोड, लोडने जी पावर ड्रॉन केलेली असते ऍव्हरेज पावर तीच आपली ही पावर असते, अँड सिन्स द वॅट मीटर रीड द ऍव्हरेज पावर, आणि आपल्याला माहिती आहे वॅट मीटर रीड काय करतं ऍव्हरेज पावर रीड करतं बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ देअर मुव्हिंग सिस्टीम, मुव्हिंग सिस्टीमच्या इनर्शियामुळे वॅट मीटर काय करतात की ऍव्हरेज पॉवर तिथं रीड करत असतो, ठीक आहे, ये है आपके पॉइंट्स डेल्टा कनेक्शन के लिए। नाउ many of times in your examination the question might be asked on the merits and demerits of the power measurement using two watt meter, okay? Merits yani advantages and demerits yani disadvantages, advantages and disadvantages ke upar bahut baar aapke main exam mein question pucha gaya hai, theek hai, to hame abhi advantages and एंड डिसएडवांटेज देखने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट एडवांटेज है, इट इज यूज फॉर टू वैट मीटर मेथड कहाँ पे यूज होती है, इट इज यूज फॉर बैलेंस्ड एज वेल एज अनबैलेंस्ड लोड, बैलेंस्ड एज वेल एज अनबैलेंस्ड लोड के लिए यूज होती है। सेकंड है, फॉर द स्टार टाइप लोड कनेक्शन, स्टार टाइप लोड कनेक्शन के लिए इट इज नॉट नेसेसरी टू कनेक्ट द न्यूट्रल पॉइंट, स्टार टाइप लोड कनेक्शन के लिए वहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो आप न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट करें, ठीक है,
इट इज नॉट नेसेसरी टू कनेक्ट द न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है स्टार टाइप के कनेक्शन की. तो डेल्टा लोड नीड नॉट बी ओपन टू कनेक्ट दी वैट मीटर. और तीसरा एडवांटेज है, डेल्टा लोड को वहां पे ओपन करने की जरूरत नहीं है वैट मीटर कनेक्ट करने के लिए, तो ये भी एक उसका एडवांटेज है. ठीक है, समझ लो. देन फोर्थ एडवांटेज है, फॉर बैलेंस लोड इट इज पॉसिबल टू मेजर पावर फैक्टर अलोंग विद द पावर. फॉर बैलेंस लोड, बैलेंस लोड साठी तिथे पावर मेजर करता येते आपल्याला. इट इज पॉसिबल टू मेजर पावर फॅक्टर. ठीक आहे, पावर फॅक्टर मेजर करता येतो आपल्याला पावर सोबतच. ठीक आहे, समझ में आहे. तो ये है मेरिट्स. ठीक आहे, पहिला मेरिट क्या बोला था मैंने. ठीक आहे, पहिला मेरिट आहे की टू वॅट मीटर मेथड आपण बॅलेन्स आणि बॅलेन्स लोडसाठी यूज करू शकतो. दुसरा ऍडव्हान्टेज सांगितलं आपण, स्टार टाईपच्या लोड कनेक्शनसाठी इट इज नॉट नेसेसरी टू कनेक्ट दी न्यूट्रल पॉइंट, तिथं न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट करण्याची गरज नाही आहे. थर्ड ॲडव्हान्टेज आहे, डेल्टा लोड जर असेल. ठीक आहे, सो डेल्टा लोड नीड नॉट टू बी ओपन. डेल्टा लोडला आपल्याला ओपन करण्याची आवश्यकता नाही आहे तिथलं वॅट मीटर कनेक्ट करण्यासाठी. हा तिसरा ॲडव्हान्टेज आहे. चौथा ॲडव्हान्टेज आहे, बॅलेन्स लोडसाठी आपण पॉवर फॅक्टर सुद्धा तिथं मेजर करू शकतो तिथल्या पॉवर सोबत. ठीक आहे, हे ॲडव्हान्टेजेस. देन फिफ्थ ॲडव्हान्टेज आहे आपका, ओनली टू वॅट मीटर्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर दी पॉवर इन द थ्री फेज सर्किट्स रादर दॅन थ्री वॅट मीटर्स. इथं फक्त दोनच वॅट मीटर रिक्वायर्ड असतात पॉवर मेजर करण्यासाठी थ्री फेज सर्किटमधली. ठीक आहे, तीन वॅट मीटर्सच्या ऐवजी फक्त इथं दोनच वॅट मीटर्स रिक्वायर्ड असतात पॉवर मेजर करण्यासाठी. ठीक आहे, ये भी एक ॲडव्हान्टेज आहे. देन नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज आहे, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू मेजर द रिॲक्टिव पॉवर फॉर बॅलेन्स लोड. बॅलेन्स लोडसाठी रिॲक्टिव पॉवर मेजर करणं सुद्धा इथं पॉसिबल आहे. ठीक आहे, बॅलेन्स लोड के लिए रिॲक्टिव पॉवर भी मेजर करणं यहाँ पे पॉसिबल आहे. नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज आहे, द सर्किट कनेक्शन्स आर इंडिपेंडंट ऑफ द लोड कनेक्शन. सर्किट जो कनेक्शन्स आहे वो इंडिपेंडंट होते हैं आपके लोड कनेक्शन से. ठीक है, सर्किटचे जे कनेक्शन्स असतात ते इंडिपेंडंट असतात लोड कनेक्शन पासून. ठीक आहे, हे त्याचे झाले ऍडव्हान्टेजेस. नाउ विल सी दी डिसऍडव्हान्टेजेस. आता डिसऍडव्हान्टेजेस काय काय सांगता येतील. त्यामध्ये पहिला डिसऍडव्हान्टेज आहे, टू वॅट मीटर्स आर रिक्वायर्ड. किती वॅट मीटर लागतात, दोन वॅट मीटर्स. ठीक आहे, टू वॅट मीटर मेथड म्हणून दोन वॅट मीटर्स लागतात. सेकंड, नॉट इकॉनॉमिकल ॲज कम्पेअर टू वॅट मीटर मेथड. वन वॅट मीटर मेथड एवढी ही इकॉनॉमिकल मेथड नाही आहे. ठीक आहे, वन वॅट मीटरच्या कम्पॅरिझनमध्ये ही तेवढी इकॉनॉमिकल नाही आहे. सेकंड डिसअडव्हान्टेज. थर्ड डिसअडव्हान्टेज आहे, द कनेक्शन्स ऑफ टू वॅट मीटर मेथड आर कॉम्प्लिकेटेड दॅन वन वॅट मीटर. कनेक्शन जो है आपके टू वॅट मीटर मेथड के वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है वन वॅट मीटर मेथड. ठीक आहे, जे कनेक्शन्स आहेत टू वॅट मीटर मेथडचे ते कॉम्प्लिकेटेड आहेत वन वॅट मीटर मेथडपेक्षा. आणि चौथा डिसअडव्हान्टेज आहे, वन ऑफ द वॅट मीटर मे रीड निगेटिव्ह रीडिंग हेन्स एरर मे ऑकर. इसमें से एक वॅट मीटर आपका वहां पे रीडिंग जो है वो निगेटिव रीड करेगा, तो उसकी वजह से वहां पे एरर होने के चांसेस है. ठीक है, या दोन वॅट मीटर पैकी एक जे वॅट मीटर आहे ती काय करत, निगेटिव्ह व्हॅल्यू रीड करेल, त्यामुळे तिथं एरर होण्याचे चान्स आहे. ठीक आहे, समज मी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इफेक्ट ऑफ पॉवर फॅक्टर ऑन रीडिंग ऑफ द वॅट मीटर इन टू वॅट मीटर मेथड. अभी ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके मेन एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पॉवर फॅक्टर ऑन द रीडिंग ऑफ वॅट मीटर इन टू वैट मीटर मेथड. ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक, सो इन टू वैट मीटर मेथड द रीडिंग ऑफ द टू वैट मीटर आर गिवन बाय द इक्वेशंस. यहाँ पे दो इक्वेशंस लिए हैं, W1 इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ 30+5 एंड W2 इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस 5. सो वी विल कंसिडर द फॉलोइंग केसेस ऑफ द पावर फैक्टर.
तो ये तो पावर फैक्टर इज यूनिटी। यहाँ पे चार केसेस अपने को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। पहले केस में पावर फैक्टर जब यूनिटी रहेगा, ठीक है, यानी पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी तब, 1। तो एट दैट टाइम पाई की वैल्यू होगी आपकी 0 डिग्री, क्योंकि कॉस पाई यानी पावर फैक्टर है, तो कॉस पाई इज इक्वल टू 0 रहेगा, तो पाई वैल्यू कितनी आएगी, कॉस पाई की वैल्यू 1 रहेगी, तो पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 0, ठीक है। पावर फैक्टर यानी कॉस पाई है, तो कॉस पाई इज इक्वल टू 1 है, यूनिटी ले रहे हैं अपन, तो कॉस पाई इज इक्वल टू 1 है, तो पाई इक्वल टू कितना आएगी, 0, ठीक है, क्योंकि कॉस इनवर्स लेंगे आप उसका, क्लियर है। सो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं फिर अपन, W1 इज इक्वल टू VI कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस 0, यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी पुट की है, 0, क्योंकि पावर फैक्टर यानी फाई की वैल्यू कितनी ली है अपन ने, 0, पावर फैक्टर 1 है तो फाई की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया फाई की वजह। सो W2 का इक्वेशन क्या आएगा, VI कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस 0, सो W1 इज इक्वल टू VI कॉस ऑफ 30 डिग्री एंड W2 इज इक्वल टू VI कॉस ऑफ 30 डिग्री। सो दस व्हेन लोड पावर फैक्टर इज यूनिटी, जब लोड पावर फैक्टर आपका यूनिटी रहेगा, देन बोथ दी वैट मीटर रीड्स इक्वल रीडिंग, ये दोनों वैट मीटर क्या कर रहे हैं आपके, इक्वल रीडिंग से रीड कर रहे हैं, ठीक है, एंड ईच वैट मीटर रीड्स हाफ ऑफ द टोटल पावर, दोनों वैट मीटर क्या कर रहे हैं, टोटल पावर से एग्जैक्टली हाफ वैल्यू वहां पे रीड कर रहे हैं, ठीक है। समझ लो इधर पावर फैक्टर 1 घेतलाय, त्यामुळे पाई की वैल्यू किती मिळाली, 0, कारण कॉस पाई इज इक्वल टू 1 आहे, तर पाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 घेतलं तर पाई ची वैल्यू किती मिळते, 0। ही 0 व्हॅल्यू आपण या दोन इक्वेशन मध्ये पुट केली, त्यामुळे हे जे दोन वॅट मीटरचे जे इक्वेशन आले ते दोन्ही सेम आले, त्यामुळे लोड पॉवर फॅक्टर जो जेव्हा युनिटी असतो तेव्हा वॅट मीटर हे इक्वल रिडिंग तिथं रीड करतात, आणि दोन्ही वॅट मीटर हे टोटल पॉवरच्या एक्झॅक्टली हाफ व्हॅल्यू काय करतात, तिथं रीड करतात। हा झाला पहिला इफेक्ट पॉवर फॅक्टरचा, टू वॅट मीटर मेथडवर। सेकंड इफेक्ट आहे, इफ द पॉवर फॅक्टर इज 0.5 लॅगिंग, दॅट इज फाय इज इक्वल टू 60 डिग्री, फाय इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो अभी 60 वैल्यू यहाँ पे पुट करो ये इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में, तो कितना आता है देखो। सो W1 इज इक्वल टू VI कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और यहाँ पे W2 इज इक्वल टू VI कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 30 प्लस 60 90 डिग्री, और ये 30 माइनस 60, यहाँ पे माइनस 30 डिग्री आएगा, तो कॉस ऑफ 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस 30 आया, दैट इज किया, तो W1 की वैल्यू 0 आ गई, और W2 की वैल्यू कितनी आ गई, VI कॉस ऑफ माइनस 30 डिग्री। सो दस इट इज ऑब्जर्व दैट वेन द लोड पावर फैक्टर इज 0.5, लोड पावर फैक्टर जब 0.5 रहेगा, देन वन वन ऑफ द वैट मीटर रीड 0, दोनों में से एक वैट मीटर वैल्यू रीड करते हैं और 0 करेगा, एंड ऑल द पावर इज मेजर्ड बाय द सेकंड वैट मीटर, और जो पूरी पावर है वो कौन सा वैट मीटर रीड करेगा, सेकंड वैट मीटर, क्लियर। ये है आपका सेकंड पावर फैक्टर 0.5 पावर फैक्टर का इफेक्ट 2 वाट मीटर मेथड पे। अभी थर्ड है आपका, इफ द पावर फैक्टर इज बिटवीन 0.5 एंड 0, दैट इज ग्रेटर देन 60 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। पावर फैक्टर जब आपका 0.5 एंड 0 के बीच में रहेगा, यानी आपका फाई की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री होगी, देन वन ऑफ द वैट मीटर गिव्स पॉजिटिव रीडिंग, तब एक वैट मीटर आपकी पॉजिटिव वैल्यू रीड करेगा, एंड सेकंड वैट मीटर गिव दी निगेटिव रीडिंग, सेकंड वैट मीटर आपका निगेटिव रीडिंग रीड करेगा, क्लियर है। सो हेंस फॉर टेकिंग रीडिंग ऑफ सेकंड वैट मीटर, इट्स प्रेशर कॉइल कनेक्शन और करंट कॉइल कनेक्शन इज टू बी इंटरचेंज, त्यामुळे इथं रीडिंग घेते वेळेस सेकंड वॅट मीटरचे जे प्रेशर कॉइल आहे किंवा करंट कॉइल आहे त्याचे कनेक्शन आपल्याला इंटरचेंज करायला लागतात, क्लिअर आहे, ठीक आहे। की जेव्हा पॉवर फॅक्टर हा 0.5 आणि 0 मध्ये असेल, म्हणजेच तिथं पाय ची व्हॅल्यू ही ग्रेटर दॅन 60 आणि लेस दॅन 90 डिग्री असेल, तेव्हा एक वॅट मीटर हे पॉझिटिव्ह रिडिंग देतं आणि सेकंड वॅट मीटर हे निगेटिव्ह रिडिंग देतं, आणि अशा वेळेला आपण रिडिंग घेते वेळेस सेकंड वॅट मीटरच्या जे प्रेशर कॉइलचे किंवा करंट कॉइलचे कनेक्शन हे इंटरचेंज करायचे असतात, ठीक आहे।
दिस इज द थर्ड इफेक्ट। फोर्थ इफेक्ट है इफ द पावर फैक्टर इज जीरो, जब पावर फैक्टर आपका जीरो रहेगा यानी फाई की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। अभी वो इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में हमने 90 डिग्री पुट कर दी फाई की वैल्यू, तो 30 प्लस 90 120 हो गया, और ये 30 माइनस 90 डिग्री माइनस 60 हो गया, तो यहाँ पे कॉस ऑफ 120 यानी आपका 0.5 रहेगा। तो डब्ल्यू वन इज इक्वल टू 0.5 इंटू वी आई, और डब्ल्यू टू इज इक्वल टू वी आई इंटू कॉस ऑफ -60 डिग्री कितना होता है -0.5। तो दस इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन द लोड पावर फैक्टर इज जीरो, जब आपका लोड पावर फैक्टर जीरो रहेगा देन बोथ वाट मीटर रीड्स इक्वल एंड अपोजिट पावर, तब आपके दोनों वाट मीटर क्या करते हैं इक्वल वैल्यू रीड करते हैं, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट पावर रीड करते हैं, वहाँ इक्वल एंड अपोजिट पावर वहाँ पे रीड करते हैं दोनों वाट मीटर। ठीक है, सब मतलब पावर फैक्टर जब वहाँ जीरो है म्हणजे पाई की वैल्यू जेव्हा 90 डिग्री है तेव्हा एका वॅट मीटरची वैल्यू पॉझिटिव्ह मिळते आपल्याला आणि दुसऱ्या वॅट मीटरची वैल्यू निगेटिव्ह मिळते। म्हणून इट इज ऑब्झर्व दॅट वेन द लोड पॉवर फॅक्टर इज झिरो बोथ वॅट मीटर रीड्स इक्वल अँड ऑपोजिट पॉवर, दोन्ही वॅट मीटर काय करतात इथं इक्वल आणि ऑपोजिट पॉवर तिथं रीड करतात। ठीक आहे, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ पॉवर फॅक्टर ऑन टू वॅट मीटर मेथड। क्लिअर आहे, इसमें कुछ डाऊट है? कुछ डाउट तो आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट, आपको दोनों पॉइंट आज में जो कवर किए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।